अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिस्टेरिया के ऊपर कि हिस्टेरिया क्या है और इसे जो है DSM-5 के अंदर जो है अब किन किन नामों के साथ जो है पहचाना जाता है। पुराने ज़माने में जो लोग जिनको जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती थी उन्हें अक्सर जो है हिस्टेरिया डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोज किया जाता था। इस डिसऑर्डर को जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग होते थे जो इसके अंदर जो है डायग्नोस होते थे, जिसमें जो है अचानक से पेशेंट की पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आ जाती थी, आवाज़ में भारीपन आ जाता था या आवाज़ जो है बिल्कुल ही बंद हो जाती थी, इंसान जो है कभी बोल ही नहीं सकता हो जैसे वो गूंगा और बहरापन का जो है मुजाहरा करता था, अचानक से ज़मीन के ऊपर धड़क करके गिर जाता था, मुख्तलिफ तरह की मुँह से आवाज़ें निकालते थे, या फिर अपनी किसी जिस्मानी सिम्टम को लेकर या जिस्मानी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते थे, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास विज़िट करते थे, चाहे वो सर का ही दर्द क्यों ना हो तो उन्हें महसूस होता था शायद मुझे जो है कैंसर हो गया, दिल की धड़कन हो ज़्यादा तो वो जो है दिल वाले डॉक्टर के पास भागते थे कहीं मुझे जो है दिल का अटैक ना आ जाए, और कहीं छोटा सा जिस्म के ऊपर अगर ज़ख्म हो गया तो वो उसे बहुत ज़्यादा जो है समझते थे कि ये जो है हमारे लिए नुकसानदेह है, हमें जो है जिस्म के ऊपर इस बीमारी के हम जो है शिकार हो चुके हैं, तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें वो जो है परसीव करना शुरू कर लेते थे। ओवर जनरलाइजेशन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती थी या मैग्नीफिकेशन एरर है जो इस तरह की पर्सनैलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह के लोगों को एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती थी, नींद की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी और अक्सर जो है फटीग रहती थी, रेस्टलेसनेस रहती थी, नर्वसनेस रहती थी। तो ये जो इस तरह के लोग हैं जिनको जो है अक्सर जो है इस तरह के डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस किया जाता था, इनको मोस्टली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती थी रेदर देन फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि फिज़िकल काज कोई भी आइडेंटिफाई नहीं होती थी। इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स करवाई जाती थी एक्चुअल में उनके पीछे कोई भी फिजियोलॉजिकल काज नहीं मिलती थी रेदर देन साइकोलॉजिकल काजेस के। DSM-5 के अंदर जो है हिस्टेरिया डिसऑर्डर की जो टर्म है इसे वॉश आउट कर दिया गया है, अब जो है इसे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस किया जाता है, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस किया जाता है या फिर जो है डिसोसिएटिव। अब जो इसका जो क्राइटेरिया है डायग्नोस करने का वो भी जो है चेंज हो चुका है, जो है एंजाइटी इलनेस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस किया जाता है, डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी के अंदर इसको डायग्नोस किया जाता है, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है मैग्नीफिकेशन कर लेता है या ओवर जनरलाइजेशन कर लेता है, कोई छोटे से ट्रिगर की वजह से जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपे से बाहर हो जाता है, अचानक ज़मीन पर धड़क करके जो है गिर जाता है और ज़मीन के ऊपर जो है एक मछली की तरह तड़पना शुरू कर देता है। इसमें पेशेंट के अंदर मोस्टली ऐसे केसेस देखे गए हैं कि इंस्टाइट तो होती है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते, बाज़ दफ़ा तो बहुत ज़्यादा पुअर केसेस होते हैं पता ही नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं जो अचानक से जिनके अंदर जो है ये चेंजेस आती हैं और वो बोलना बंद कर देते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है अक्सर फीमेल्स के अंदर डायग्नोस किया जाता है और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा जो है ये बच्चों के अंदर डायग्नोस किया जाता है कि ऐसे बच्चे जिनको स्टडी का बर्डन बहुत ज़्यादा है तो उनके अंदर जो है डायग्नोस किया जा सकता है। तो अब मैं बात करूँगा इसके इलाज की कि एक्चुअल में अब हिस्टेरिया का जो है इलाज कैसे किया जा सकता है। तो इसके इलाज के लिए जो है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग इस डिसऑर्डर के अंदर जो है डायग्नोज होते हैं हिस्टेरिया में, इनकी जो फैमिली होती है फैमिली अक्सर या तो अनएजुकेटेड होगी या फिर अगर वो एजुकेटेड है तो बहुत ज़्यादा पोसेसिव होगी, जिसकी वजह से ये जो डिसऑर्डर है ये जो बहुत ज़्यादा अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है और पेशेंट आए दिन जो है ख़राब हो रहा होता है। आए दिन मालूम होता है कि बच्चे के अंदर जो है अचानक से तब्दीली आती है, बेहोश हो जाता है, मुख्तलिफ आवाज़ें निकलती हैं अचानक से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और अक्सर जो अनएजुकेटेड फैमिली होती है उनके माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे लव वन के अंदर अचानक से कोई जिन भूत आ गई हैं, अचानक से कोई ऐसी पावर्स आ गई हैं जिनका जो है इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है जो इसे छोड़ना ही नहीं चाहते। तो इस तरह के पेशेंट्स के इलाज के लिए सबसे पहले फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि फैमिली को जो है साइको एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मोस्टली ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जिनकी फैमिली को साइको एजुकेट किया गया तो 70% इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं कि वो जो डिसऑर्डर है वो बाज़ दफ़ा तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, बाज़ दफ़ा जो है
फैमिली के सपोर्टिव रोल की वजह से, वो साइको एजुकेशन की वजह से जो है उसके अंदर उसमें कमी आ जाती है। तो उसके बाद जो है पेशेंट के अंदर इस चीज़ के बारे में इंसाइट बिल्ड करना होता है और एक्चुअल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि वो एक्चुअल पेशेंट किस वजह से ये कर रहा है। कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं बच्चे के साथ कोई ऐसी जो है अनएथिकल एक्टिविटीज तो नहीं हुई या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी तो नहीं बच्चे के साथ हुई। अगर फीमेल है तो उसके इस तरह की एक्टिविटी करने के पीछे कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हो सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा ट्रिगर जो आइडेंटिफाई हो जाए मौके के ऊपर और उससे जो है कंट्रोल कर लिया जाए तो ये प्रॉब्लम वहीं पर रुक जाती है, नहीं तो ये जो प्रॉब्लम है ये सारी ज़िंदगी के लिए जो है पेशेंट को बर्दाश्त करनी पड़ती है, अपनी लाइफ के साथ जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब तक कि ये प्रॉब्लम की एक्चुअल काज आइडेंटिफाई नहीं होती तब तक इसका इलाज मुमकिन नहीं होता। इसका इलाज जो है साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर से ज़्यादा होता है, मेडिसिन से कम होता है, लेकिन मेडिसिन का रोल भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर जिन पेशेंट्स के अंदर जो है इस तरह की अलामतें हैं कि वो अचानक से जो है बेहोश हो जाता है, अचानक से उसकी तबीयत के अंदर चेंजेस आ जाती है, पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस आ जाती हैं और अचानक से उसकी पर्सनैलिटी जो है बदल जाती है, तो इस तरह की फैमिलीज़ को चाहिए या पेशेंट के अंदर अगर इतनी इंसाइट है तो उसे चाहिए वो जो है जल्दी से जल्दी जो है साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करे, साइकेट्री से कांटेक्ट करे। अगर वो साइकेट्री से कांटेक्ट करता है तो मेडिसिन भी उसकी साथ में कंटिन्यू रखे और साइकोलॉजिस्ट से भी जो है अपने थेरेप्यूटिक प्रोसीजर का आगाज़ करे। और अगर वो डायरेक्टली जो है साइकोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करता है तो साइकोलॉजिस्ट की कही गई हर बात के ऊपर अमल करे, और अगर मेडिसिन की भी ज़रूरत है तो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जो है रेफर करता है मज़ीद मेडिकेशन के लिए, और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग बनाता है और जिसमें फैमिली हिस्ट्री होती है, पेशेंट की हिस्ट्री होती है, और उस रिपोर्ट के बेस पर फिर जो है साइकेट्रिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। तो इस तरह के पेशेंट्स को देर नहीं करनी चाहिए और इसका इलाज जो है ये मोस्टली साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए ज़्यादा आसानी से है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है मालूम हो गया होगा कि हिस्टेरिया क्या होता है और इसकी कौन कौन सी अलामतें हैं, इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।